राधारानी सरकार की जय। चतुर्थ दिवस में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का मैं वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से कोटा राजस्थान की पवित्र धरती पर बहुत बहुत स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। पीछे जो भक्तजन खड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा सभी माताओं बहनों से, सभी भाइयों से, आज वैसे भी कथा का चतुर्थ दिवस और भक्तों की अपार भीड़, इतनी आपकी भक्ति श्रद्धा और आस्था के दर्शन यहाँ कोटा राजस्थान की धरती पर हो रहे हैं, मैं बहुत साधुवाद करना चाहूँगा आप सभी को। साथ ही साथ वो सभी गौ भक्त, वो सभी श्रद्धालु भक्तजन जो आस्था टेलीविज़न चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए दुनिया के कोने कोने से इस पवित्र पावन कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, आप सभी श्री का भी वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से कोटा राजस्थान की धरती पर मैं बहुत अभिवादन करता हूं। आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे, उससे पहले कथा के प्रारंभिक आरती के लिए कथा के जो मुख्य यजमान सम्मानीय कैलाश चंद्र सोमानी जी, श्रीमती कृष्णा सोमानी जी भागवत जी का पूजन अर्चन करते हुए आरती में सम्मिलित होने के लिए मंच पर ही रहेंगे। साथ ही साथ इनके पुत्र और पुत्रवधू सम्मानी श्रीमती नेहा सोमानी और गौरव सोमानी शीघ्रता से मंच पर पधारेंगे। आदरणीय भव्य कौशिक जी, धर्मपत्नी श्रीमती अनुभा कौशिक जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और आरती में सम्मिलित हों। कथा के सहयजमान के रूप में श्रीमती सावित्री देवी गुप्ता, श्रीमती सावित्री देवी गुप्ता, श्री दिलीप जी गुप्ता मंच पर आएंगे। साथ ही सम्मानीय श्री राम शरण जी मोदी साहब सापत्नी मंच पर पधारें और श्रीमती रमा रानी गुप्ता द्वारिकाधीश स्वीट से मंच पर पधारेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आज का पावन दिवस बड़ा ही दिव्य है, हर्षोल्लास से, उत्सवों से भरा हुआ है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आज हम सभी इस पवित्र प्रांगण में कथा के प्रसंगों के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। आप सभी जो कि इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी सेवा भावना के साथ इस पावन कथा से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत अभिवादन करते हुए जो भी भक्तजन आरती के लिए मंच पर पधारे हैं, मैं निवेदन करूँगा कतारबद्धता के साथ शीघ्रता से खड़े हो जाएंगे। आप सबसे भी निवेदन, आप सभी भक्तजन जो जहां से इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मन में, अपने हृदय में बांके बिहारी जी का, भागवत जी का ध्यान करें, सुमरन करें और हाँ, ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। आइए हम सभी आज चतुर्थ दिवस की पावन आरती की ओर चलेंगे। आप सभी श्री को जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और जोरदार जयकारा लगाते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थ गंधक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात शक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाम् अग्निरजायता। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन
पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख बिगालित निगम कल्प फल सुखमुख बिगालित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कले परमानंद सुधारसमय कले लीला रति रस रस निधान की और प्रियति पुराण की कलिमल मथन कृताप निवारिणी कलिमल मथन कृताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी जन्म मृत्यु में भव भय सकल सुख कारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी सुनहु सदी हरि चरित गान की आरती यति पावन पुराण की विषय विराज विमोह विनाश विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्परहर्ष प्रकाशिनी भगवत तत्परहर्ष प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परम हृदय रस राश विलासिनी रसिक हृदय रस राश विलासिनी भूति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी यथा किने चने प्रिय सुजान की आरती पावन पुराण की हर भगति विज्ञान ज्ञान की आरती पावन पुराण की पावन पुराण राजनम पुष्पादि बंधनम आरोग्यार्थे आत्मादि बंधनम मंत्र पुष्पांजलि ओम देवो शांतिरंदर जगो शांति पृथ्वे शांतिराप शांतिरोकदय शांति पणजवदय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे हरि ओम जदने जदन वयजंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः तेहनाकं महिमानः शजन्द जदन पूर्वे
चाध्याः शन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ गहसुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना कामधेनुः प्रचोदयात् हरिः ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना शुकः प्रचोदयात् मल्ले भवान् मौलिगले दले चाम् मालां विशालां तुलसीदलेनां सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोलिए भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा रानी सरकार की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरती के बाद मैं निवेदन करूंगा सभी भक्तों से जो भी पंडाल में विराजमान हैं उपस्थित हैं या जो आरती के लिए मंच पर पधारे थे सभी अपना यथा स्थान ग्रहण करेंगे सभी से निवेदन थोड़ा थोड़ा आगे खिसकते आएंगे क्योंकि बहुत अधिक भीड़ है भक्तों की और सभी के लिए बढ़िया व्यवस्था हो सके इसके लिए आप सभी से निवेदन थोड़ा थोड़ा सा आगे खिसकेंगे और साथ ही शीघ्रता से अपना यथा स्थान ग्रहण करेंगे निश्चय ही गोटा वासियों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि इतनी दिव्य आयोजन से जुड़ने का इस पावन कथा के रसा स्वादन कर और साथ ही साथ गौ सेवा धाम में अपनी पावन सेवाएं समर्पित करने का इस महासेवा यज्ञ में अपने अपने परिवार या प्रियजन के नाम की छोटी बड़ी आहुतियाँ समर्पित करने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सभी से निवेदन कृपया शांति व्यवस्था बनाएं और आज कथा का चतुर्थ दिवस तो बड़ी ही पावन रसमय आनंदमय उत्सवमय कथा आज हम सभी श्रवण करेंगे जिसमें वामन भगवान भगवान राम का जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज हम कथा के माध्यम से मनाने जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की उस पवित्र पावन धरती पर अवतार लिया तो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से किस तरह गौ माता की सेवा की उनकी रक्षा की उनकी साधना वंदना आराधना की है ऐसे ही पवित्र पावन गौ माताएं जो ब्रज वृंदावन की धरती पर अपना जीवन यापन करती हैं उन सभी गौवंश की सफल और सार्थक चिकित्सा के लिए समर्पित गौ सेवा धाम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जो कि होटल हरियाणा की पवित्र धरती पर स्थापित है पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में लगातार सतत 24 घंटे ऐसे कई बीमार गौवंश का न केवल इलाज किया जाता है वो सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं जो गौवंश के लिए उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए आवश्यक हैं। लगातार गौ सेवा धाम अस्पताल की ओर से 3 एम्बुलेंस ब्रज की सड़कों पर दौड़ती हैं ताकि उन बीमार गौवंश को हम गौ सेवा धाम तक अस्पताल तक पहुंचा सकें और उनका समय पर इलाज किया जा सके। आज चतुर्थ दिवस के पावन अवसर पर उन गौ माताओं की सेवा करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस दान के लिए सेवा के लिए बहुत ही विशेष आज के पावन दिवस में आप सभी श्री अपने अपने परिवार या प्रियजन के नाम से अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक समर्पित कर सकते हैं। कोटा राजस्थान की धरती से मैं निवेदन करूंगा गौ सेवा धाम के जो पावन सेवा कार्यालय है वहां पर संपर्क करेंगे या जो टेलीविजन के माध्यम से इस पावन कथा से जुड़े हैं आप श्री अपना पावन दान या अपनी पावन सेवा गौ सेवा धाम तक पहुंचाने के लिए आपको संपर्क करना है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के
सेवा मोबाइल नंबर दर्शाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप गौ सेवा धाम के साधकों से बात करते हुए अपनी पावन सेवाएं लिखवा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। आज के पावन दिवस में कोटा राजस्थान की धरती से जिन भक्तों ने अपनी पावन सद्भावनाएं समर्पित की हैं, मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रता से मंच पर आएंगे। सम्मानीय सुधा जी कोटा से, जिन्होंने 5001 रुपए की राशि समर्पित की है, यदि हमारी आवाज सुन रही हैं तो शीघ्रता से मंच पर आएं। आदरणीय हीरा नंद खली जी, जो कि विज्ञान नगर कोटा से हैं, जिन्होंने बीमार गौवंश के लिए दवाइयों का सहयोग समर्पित किया है, शीघ्रता से मंच पर आएं। सम्मानीय मोहन किशोर शर्मा जी कोटा से, जिन्होंने दवाइयों के लिए 5100 रुपए, और जैसा कि आपसे निवेदन किया जाता है कि बीमार गौवंश के लिए उन्हें जल्दी स्वस्थ करने के लिए जो पौष्टिक आहार दिए जाते हैं, जिनमें से विशेष है दलिया का सहयोग, और 5100 रुपए की राशि आपने दलिया के लिए सहयोग समर्पित करते हुए टोटल 10200 रुपए की राशि सम्मानीय मोहन किशोर शर्मा जी कोटा से, मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। गुप्त दान के रूप में माचिस फैक्ट्री कोटा से दवाई सहयोग समर्पित किया गया है, मंच पर आएंगे। आदरणीय कन्हैया लाल जी मेहरा साहब, जो कि खेडली फाटक कोटा से हैं, और जन्मदिन के पावन अवसर पर 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय कन्हैया लाल जी मेहरा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से। आदरणीय महावीर सैनी जी हैं पुलिस लाइन कोटा से, जिन्होंने 5 क्विंटल दलिया के लिए 11000 रुपए की राशि समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कोटा की धरा के लिए, कोटा के भक्तों के लिए। गुप्तदान के रूप में कोटा राजस्थान से दवाई सहयोग समर्पित किया गया है, मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कोटा राजस्थान की धरती के लिए, इस पावन धरा पर बिराजने वाले उन सभी भक्तों के लिए जिन्होंने गौ सेवा धाम से जुड़ते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया है। और भी जो गौ भक्त हैं जो गौ सेवा धाम से जुड़ते हुए गौ माता तक अपनी पावन सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, हमारे कार्यालय में संपर्क करेंगे। मैं कोटा की धरा से निवेदन करूंगा आप सभी आगे आएं और पूज्य देवी जी के इस पावन सेवा संकल्प में अपनी सहभागिता निभाएं। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि आज के जो अत्याधुनिक परिवेश में समय या जगह के अभाव के कारण जो भक्तजन गौ सेवा नहीं कर पाते हैं, गौ माता का लालन पालन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में गौ सेवा धाम में गौ माता का लालन पालन किया जाता है। आप मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए एक गौ माता की आजीवन सेवा स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें गोद लेते हुए उनके पावन आशीर्वाद के आप हकदार बन सकते हैं। इस पावन सेवा कार्य के लिए आपको उन्हीं नंबर्स पर संपर्क करना है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं, या एक ट्रॉली गौग्रास के लिए 11000 रुपए की राशि, दलिया के लिए 11000 रुपए, या एक ऑपरेशन सेवा राशि 7100 रुपए की राशि समर्पित करते हुए आप गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सेवाएं पहुंचा सकते हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा उन भक्तों से जिनकी श्रद्धाएं हर महीने सेवा गौ सेवा धाम तक पहुंचाने की रहती हैं, मैं और भी कई भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप सब भी आगे आएं, हमें ऐसे भक्तों की आवश्यकता है जो हर महीने अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकें, ताकि जो गौ सेवा धाम में नित्य प्रति ऐसी कई पावन चिकित्सा सेवाएं संचालित रहती हैं, एक्सरे मशीन के माध्यम से और भी अल्ट्रासाउंड मशीन, एम्बुलेंस के माध्यम से कुशल डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स की टीम, महंगे महंगे ट्रीटमेंट, या और भी जो गौग्रास की व्यवस्था गौ सेवा धाम में की जाती है, इस हेतु हमें ऐसे कुछ पावन भक्तों की, कुछ गौ सेवकों की आवश्यकता है जो हर महीने अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकें। ऐसे भक्त जरूर संपर्क करें आपके अपने गौ सेवा धाम के जो सेवा मोबाइल्स नंबर्स हैं उन पर। कोटा की धरा से मैं निवेदन करूंगा आपकी नज़र में कोई ऐसी गौ माताएं हैं जो घायल हैं या दुखी हैं, जख्मी हैं, या और भी कई बीमारियों से जो पीड़ित हैं, तो मैं निवेदन करूंगा निःशुल्क गौ चिकित्सा शिविर गौ सेवा धाम के माध्यम से यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पर आप परामर्श ले सकते हैं और गौ माता का जो इलाज है वो करा सकते हैं। आप सभी से निवेदन ऐसे पावन सेवा कार्यों में अपनी
महती भूमिका अवश्य निभाएं। टेलीविजन के माध्यम से जिन भक्तों ने जुड़ते हुए गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं, आइए कुछ उनके पावन नाम हम सभी श्रवण करेंगे। आदरणीय ताराचंद जी गुप्ता साहब चंडीगढ़ से 11,000 रुपए की राशि दलिया सहयोग करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रियांशी उड़ीसा से 11,000 रुपए की राशि एक ट्रॉली गोगराज समर्पित करते हुए। आदरणीय मणिराम जी विष्णुई साहब बेंगलोर से 5,100 रुपए। श्रीमती कृष्णा देवी जी शर्मा उड़ीसा से 5,100। आदरणीय कुसुम बहन पटाली, सम्मानीय कुसुम बहन पटाली से जो कि अहमदाबाद से हैं और 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। कैलाश मीना जी कानपुर से 5,000 रुपए की राशि बीमार गौवंश की दवाई के लिए उनकी चिकित्सा सहयोग समर्पित करते हुए। सनत कुमार जी मिश्रा साहब दुर्ग छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए की राशि का सहयोग, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सम्मानित सनत कुमार मिश्रा जी का। आशा मिश्रा जी पटना से 5,100 रुपए। लक्ष्मण बिरला जी बुलडाना से 5,000 रुपए की राशि। आदरणीय राधा कृष्ण भोजक जी नागपुर से 1,00,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए आप श्री एक गौ माता को गोद ले रही हैं, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। सम्मानीय राधा कृष्ण भोजक जी, मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से आपको बहुत साधुवाद समर्पित करना चाहूँगा। आप सब भी जिनके मन में गौ माता को गोद लेते हुए उनकी आजीवन सेवा करने का पावन संकल्प जागृत हो रहा है, गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और इस पावन सेवा को स्वीकार करें। सम्मानीय राजकुमार भार्गव जी जयपुर से 5,000 रुपए की राशि। सम्मानीय श्याम प्रसाद चौबे जी बक्सर से बिहार से 5,100 रुपए दवाई सहयोग समर्पित करते हुए। आदरणीय कामेश्वर सिंह जी मीनापुर छपरा से अपने पितरों की पुण्य स्मृति में 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। अमित जी सम्मानीय अमित अंकिता आहूजा जी जो कि दिल्ली से हैं 5,100 रुपए। महर्षि रावत जी मुंबई से 5,000 रुपए। आदरणीय जयदीप मिश्रा जी दिल्ली से, इन्होंने बहुत ही पावन संकल्प लिया है, प्रति माह आप गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सेवाएं समर्पित करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ और भक्तों की हमें नितांत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, ताकि गौ सेवा धाम में वो सारे सेवा प्रकल्प चल सकें, उन्हें हम जो भी चिकित्सा सेवाएं गौ वंश को समर्पित की जा रही हैं वो सुचारू रूप से संचालित की जा सकें। इसके लिए आप जैसे भक्त आगे आएं और हर महीने जिनकी पावन सेवा समर्पित करने का संकल्प है वो अपना नाम जरूर अंकित कराएंगे। आदरणीय गंगा सिंह जी कबिया जो कि जोधपुर राजस्थान से, आप श्री भी हर महीने दवाई सहयोग से समर्पित करने का पावन संकल्प ले रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी भक्तों का, बहुत साधुवाद करना चाहूँगा जो गौ सेवा धाम से जुड़ते हुए आज के परिवेश में जो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम सभी आगे आएं और गौ माता की जब बात आती है, गौ माता की रक्षा की बात आती है, तो हम सभी का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, परम कर्म है कि ऐसे पावन सत सेवा कार्यों में अपनी सहभागिता निभाएं। आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा, जबकि हम कथा के प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस पवित्र पावन धरा पर मनाने जा रहे हैं। आज के पावन दिवस में जिन गोपाल की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, उन गोपाल की परम प्रिय गौ माता की पावन सेवा जरूर करें। आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा के लिए पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए आइए, एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे और जोरदार जयकारा लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कथा के मध्य में जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे, कथा के विश्राम में उन समस्त नामों का उद्घोष इस धर्मन से किया जाएगा। सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णा जय, गौ माता।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद राधे राधे 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 गोविंद गोविंद महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गौ माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के चतुर्थ दिन में आप हम सब प्रवेश करें। भगवान की वांग्मयी मूर्ति इस श्रीमद् भागवत कथा का आप हम सब रसास्वादन कर रहे हैं और कथा के प्रसंगों के माध्यम से आप हम सभी ने भगवान की और भगवान के भक्तों की कथाओं को श्रवण पान किया। ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, अजामिल मुख आदि आदि कथाओं का श्रवण पान किया। प्रहलाद की भक्ति में बहुत सारी बाधाएं आई किंतु श्री कृष्ण चरणों में दृढ़ विश्वास होने के कारण उसकी भक्ति कोई हिला नहीं पाया। जैसे बारिश होती है तो आप छाता लगाते हो, छाता बारिश को रोक तो नहीं सकती किंतु आपको बारिश में खड़ा होने का साहस दे सकती। वैसे प्रभु की भक्ति भी आपके दुखों को दूर तो नहीं कर सकती किंतु उन दुखों को सहने की शक्ति भगवान की कृपा दे देती। ये केवल भगवत कृपा से हो सकता है। दुख तो भक्तों के ऊपर भी बहुत आते हैं किंतु वो जानते हैं वास्तविकता में ये दुख दुख नहीं है। दुनिया जिसे दुख समझती है भक्त उसको सुख समझते हैं, इसलिए भुआ कुंती ने भगवान से दुख मांगे। विपदः संतु नाशश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो अदर्शनम यश अपुनर्भव दर्शनम। हमारे लिए जो सुख है, सुविधाएं हैं, वो भक्तों के लिए दुख है
और वास्तविकता ये है कि जहां हम सुख को खोज रहे हैं वहां असलियत में दुख है। खोजा कहीं और जा रहा है। उदाहरण, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बड़ा दुखी है। बोले साहब क्या बताऊं, जहां भी शरीर में उंगली को स्पर्श करता हूं तो दर्द होने लगता है, लगता कोई बीमारी है शरीर में, जहां भी स्पर्श करूं उंगली को वहीं दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने चेकअप किया, एक्सरे किया, तो उसको फ्रैक्चर निकला। कहां पर? उंगली में। दुख का केंद्र कुछ और है, पर नासमझी के कारण हम दुनिया में भटक रहे हैं। सुख का केंद्र भी कुछ और है, पर नासमझी के कारण हम दुनिया में भटक रहे हैं। किंतु भक्त इन सब बाधाओं से कभी डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास हरि नाम की शक्ति है। उसने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, इसलिए वो भक्त कभी डरता नहीं। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। विकल होकर के उचारा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरे। दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, तो क्या किया? दोनों हाथ उठा दिए, साड़ी को छोड़ दिया, साड़ी के उस भय को छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा के नारा लगाया, हे गोविंद, हे द्वारिका वासिन, हे गिरधारी, मेरी रक्षा। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम, हरि गाया प्रेम से नारा हरि शरणम, हरि शरणम।
जभी जीवन में कोई कष्ट दिखाई दे, कोई दुख दुख दिखाई दे, तो कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अनुभव करके देख लीजिएगा, जब आपको दुख आए, जब आपका हृदय बड़ा कष्ट में हो, आपको कहीं शांति आनंद की प्राप्ति नहीं आ रही हो, तो अपने घर का कोई वो कोना खोजना जहाँ एकदम शांति हो, जाके दरवाजा लगा देना और तीन बार हाथ उठा के हरे कृष्ण महामंत्र दिल से बोल के उसे पुकारना। उस दरवाजे में जब आप घुसे तो रोते हुए घुसोगे, लेकिन उस दरवाजे से जब निकलोगे तो हंसते हुए बाहर निकलोगे। शरणागति में बहुत लाभ है। अगर शरणागत नहीं हो तो पाप पुण्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पर अगर शरणागत हो गए तो फिर जिम्मेदारी आपकी नहीं है, फिर कर्तव्य उसका बन जाता। उदाहरण से समझिए, एक छोटा सा बालक कोई रोड पार कर रहा, सड़क पार कर रहा, बहुत वाहन इधर उधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही है, बेचारा डर रहा है, डर के मारे निकल नहीं पा रहा, थोड़ा सा चलता फिर वापस आ जाता। तभी उसके माता पिता आते हैं और माँ इधर से हाथ पकड़ लेती है, पिता इधर से उंगली पकड़ लेता है। अब वो उसको सड़क पार कराते हैं। अब जब माता पिता सड़क पार करा रहे हैं तो वो बालक क्या करता है, अब वो दोनों को हाथ पकड़ के बीच में झूलने लगता है। वो दोनों लेके जा रहे और वो बड़ा आनंद में, ट्रैफिक वही है, सड़क वही है, लोग वही हैं, पर माता पिता के हाथ पकड़ने से वो कठिन जो रास्ता है वो एकदम सरल लगने लगता है। वैसे इस जिंदगी के इस भाग दौड़ में कितनी कठिनाई आती है और लोग उससे डरने लगते हैं, पर जब एक तरफ श्री ठाकुर जी और एक तरफ श्री किशोरी जी खड़ी हो, आपके दोनों हाथ को पकड़ लें, तो रास्ता वही है, दुख भी वही है, पर अब उस रास्ते का अपने आप मजा आनंद आने लगता है। और बालक को जब आप सड़क पार करा दोगे तो मालूम है क्या बोलेगा, अपने माता पिता को बोलेगा, अच्छा एक बार और चलो, एक बार और झूल के आऊंगा, अब खतरा खतरा। वैसे अगर आपने श्री ठाकुर जी की उंगली को पकड़ लिया तो फिर रास्ता वही हो, दुख वही हो, पर फिर आप रोगे नहीं, फिर आप कहोगे प्रभु बड़ा मजा आया, अब बताइए अगला दुख कब दे रहे हो। पर हां ये भी कहना कि ये ठाकुर हम तेरी उंगली नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है हम दुनिया की भाग दौड़ में तेरी उंगली छोड़ भी दें, पर प्रभु तू हमारी उंगली पकड़ लेना, ये पक्की बात है, हम भले भूल जाएं पर भरी भीड़ में भी तुम हमारा हाथ कभी छोड़ नहीं सकते, या तो वो हाथ थामते नहीं और थाम लेते तो छोड़ते। लगाया प्रेम से नारा, हरी शरणम हरी शरणम, ये विश्वास ही भक्त को भगवान से जोड़ के रखता है। ये विश्वास हो अपने भगवान के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर। मुझसे कोई पूछे, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भजन का दूसरा नाम क्या है, भजन का पर्याय क्या है, तो भजन का दूसरा नाम भरोसा है, विश्वास है। अगर उस पर आपको विश्वास होगा तो आपका जीवन पूरा आनंद से बीतेगा। भरोसा ही नहीं है तो फिर रोज जाके भगवान को गाली दोगे कि भगवान ये नहीं किया, भगवान तूने वो नहीं किया। विश्वास था तो वो महिला विष को पी गई, कोई असर विष ने नहीं दिखाया। कभी शांति से सोच के देखिएगा ये कथाएं कितनी गंभीर हैं। एक महिला, एक स्त्री, एक चित्तौड़ की पुत्र वधू
एक विष का पान कर जाती है और कुछ नहीं होता, वमन तक नहीं होता, और वो उठ करके एक तार लेके फिर ठाकुर जी का नाम गाने लगती है, क्योंकि विश्वास दृढ़ है, विश्वास पक्का। अपने विश्वास को मजबूत करिए भगवान के लिए। अभी तो हमारी हालत मालूम है कैसी है, अभी हमारी हालत है गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास। किसी ने कहा भैया बेटा चाहिए तो इसका भजन कर लो, धन चाहिए तो इसकी माला जप लो, बहू चाहिए बढ़िया ब्याह करना है तो फलाना व्रत कर लो, और हम फिर लग जाते मान जाते। पर विश्वास कहता है कि कुछ भी हो जाए, और जब भक्त को भगवान पर विश्वास होता है फिर करामात देखिए। भगवान ने पांडवों को बचा लिया, कैसे बचा लिया, एक दिन अर्जुन अपने शिविर में विश्राम कर रहा था, विश्राम करते करते अचानक ठाकुर जी आए, द्रौपदी पैर दबा रही थी, अर्जुन विश्राम कर रहा था, तो भगवान आ गए। भगवान ने कहा द्रौपदी साइड हटो, क्यों प्रभु क्या कर रहे हो, बोले अर्जुन के चरण दबाने, भगवान अर्जुन के चरण दबा रहे। जैसे चरण दबाए द्रौपदी ने कहा प्रभु आप क्या कर रहे हो, ये तो बेचारा सोया है, इसको पता भी नहीं, इसको कितना बड़ा पाप लग रहा होगा। ठाकुर जी कहते नहीं द्रौपदी, इसको पाप नहीं लग रहा, अर्जुन जैसे भक्त का तो मैं जीवन भर पैर दबाने के लिए तैयार हूं, क्यों प्रभु ऐसा अर्जुन के अंदर क्या है, बोले इधर आ। द्रौपदी पास गई, द्रौपदी ने पास जाकर के भगवान से कहा प्रभु क्या बात है, भगवान ने कहा अब अपना कान अर्जुन के मुख से लगा। द्रौपदी ने अपना कान अर्जुन के मुख से लगाया, और जैसे मुख से लगाया अर्जुन के मुख से सो रहा था, पर सोते सोते आवाज आ रही थी कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हे माधव, हे गोविंद हे कृष्ण। हे द्रौपदी जिसके हर श्वास पर मेरा नाम हो, भला उस भक्त को मैं बीच मझधार में कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए भक्ति वही है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन तेरा नाम निकलता है। कुछ भजनों के ना शब्द इतने दिल के नजदीक होते हैं कि भले उन पर नाचा ना जाए, आवश्यक नहीं कि हर भजन पर नाचो तो ही आनंद आएगा। एक एक गीतकार का एक शब्द की सफलता तभी है जब उसके अंत में या तो वाह निकले या दिल से आ निकले। जब भक्त ठाकुर जी को पुकारने के लिए कहता है इस भजन के जो शब्द है आप अनुभव करके देखना, आपको दिल के बड़े करीब नजर आएंगे कि इस वास्तविकता में ये मेरी सच्चाई। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं
से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, और विश्वास ना हो तो भगवान में भी पत्थर दिखाई दे सकते हैं। क्या बोलते हैं, बोले एक कोई, ये एक विश्वास का उदाहरण है। ठाकुर जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं, जरा सी बात में रीझ जाते हैं। एक भक्त गोपाल जी को घर में लाए, उसको कोई इच्छा थी, मनोकामना थी, तो किसी ने कहा गोपाल जी की पूजा कर। गोपाल जी की पूजा कर रहा है पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, बहुत प्रयास के बाद भी पूरी नहीं हुई। तो किसी ने कहा गोपाल जी की पूजा से लाभ नहीं, अब तो तुम फलानी मैया की पूजा करो।